में थोड़ी सी भी निर्लजता नहीं बची। निर्लज पत्रकारों को देखना चाहिए, इनकी समस्या दिखानी चाहिए कि किस तरह से ये गरीबी में रहते हैं, ये किसान परिवार हैं और अपना घर चला रहे हैं। इनको तीन बेटा, एक बेटा नहीं रहा, दो बेटी अब इनके हैं। अब सोचिए, हिम्मत करके मनु यादव से शादी करवाए हैं, अपने मंझले बेटे शादी करवाए, क्या इनके दिल पे बीत रहा होगा? ये शौक से शादी नहीं करवाए हैं, मजबूरी में शादी करवाए हैं। सब हम लोग ये सोच के कर दिए, ये हमेशा बीमार रहता है, इसलिए सोचे कि कब हम इससे शादी करा देंगे, कि कब क्या होगा नहीं होगा कहना कठिन है। हम लोग बहुत दुखी में हैं, हम भी बहुत चीनी हमको बढ़ गया है, शुगर हमको बहुत बढ़ गया है, कब क्या होगा इसे सोच करके हम शादी करवाए हैं, बहुत टेंशन था हमारे घर में। लेकिन इस दर्द को, इस वेदना को कोई नहीं समझ सकता। लोगों को लगता है कि उमेश यादव जो ये किए हैं अच्छा नहीं किए हैं। लोग कहते हैं ये पहले से प्लान बना था शादी करवाने का। जी नहीं, ये सब कुछ नहीं था, प्लान कोई प्लान ही नहीं था। 24 को मनु आए, 25 को हम जो है ना सोचे कि बहुत बात निकल रहा है, मनु आए हैं फिर कोई बात लोग बोलेंगे, हम समाज को बुलाए, समाज बोला कि से देखिए आज समय भी ठीक है, अभी तुरंत कर दीजिए, सबका मन से शादी। अच्छा चाची, आपसे ये जानना चाहते हैं, 9 हत्यारा है आपके बेटे का, वो लोग अर्जी लगा रहे हैं बेल लेने के लिए, क्या आप उन परिवारों को माफ करेंगे? आप जैसे देखिए, जिस तरह से आपके ये पति हैं, तो आरती के माँ के भी पति जेल में है, भाई भी जेल में है, एक इस तरह से पूरा परिवार उजड़ जाएगा। सबको, किसी को माफी नहीं चाहते, देना चाहते आप? अरे हम अपने बेटा को कितना कठिन से एक बचपन से पोसे पाले और पढ़ाए लिखाए, 22 साल का उम्र किए, बीए पार्टनर पढ़ा था, हम गरीब आदमी किस परिस्थिति से उनको पढ़ाए लिखाए है वो तो हम ही जानते हैं ना, और उस बेटा को हत्या कर दिया तो क्या उनको हम माफ कर देंगे? छोटू को, पंजला भाई छोटा भाई को पढ़ा रहा था जी, वही पढ़ाया, आपका बेटा बाहर में काम करता कमाने गया है, वही पैसा भेजता था जी जी, क्योंकि एक गरीब परिवार है, किसान है, आपको पता है किस किसान का आय क्या होता है। दोनों नहीं पढ़े लिए, नहीं दोनों बेटी को पढ़े लिए, नहीं दोनों बेटा आपको, छोटू की पढ़ाई सिर्फ आप। देखिए ये है गरीबी, ये हालात है, इनके घर के ये हालात है, ये कोई अमीर आदमी नहीं है, अमीर आदमी तो ना गला में सोना का चेन होता, इनके हाथ में वो खड़ी होता, ये गरीब है, किसान आदमी है, और किसान की पत्नी है, और किसान को इस देश में बदनाम किया जा रहा है। इस बदनामी को दूर करने के लिए यहाँ पे पहुंचा हुआ हूँ, ताकि वो निर्लज पत्रकारों को दिखे और सच्चाई दिखा यहाँ पर आकर कि किस स्थिति में ये लोग रहते हैं, और किस स्थिति में अपने छोटे बेटे को पाले हैं, पढ़ाए हैं, और किस तरह से उसकी हत्या कर दी गई। क्या ये माँ को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या इस पिता को न्याय नहीं मिलना चाहिए, जिस पिता ने अपनी आंखों से देखा मरते हुए अपने बेटे को? जब ये घर पे उसे पहुंचा था आरती घर पे, तो छोटू चिल्ला रहा था पानी पानी दो पानी दो, लेकिन कोई भी पानी नहीं दिया, उनको पेशाब करके पिलाया था। सोचिए, छोटू को पेशाब पिलाया गया, लेकिन वो निर्लज पत्रकार, तुच्छ पत्रकार यहाँ आके इसको बदनाम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इनके परिवार को मजाक उड़ाते हैं। छोटू की हत्या हो गया, जायज कैसे जायज हो गया? हत्या कहीं से जायज नहीं है। छोटू शौक से नहीं गया, उसे बुलाया गया तब गया। किसी भी लड़का को हत्या कर दो ये जायज नहीं है। मैं घोर विरोध करता हूँ। प्रेम करना अपराध नहीं है, अगर अपराध है तो सबसे पहले कृष्ण भगवान को सूली पे चढ़ाओ, उसने भी प्यार किया राधा से, मीरा से। इस राज में देखिए तेजस्वी, वो भी प्यार, मौजूदा एग्जाम्पल तेजस्वी यादव ने भी लव मैरिज शादी किया, सामने एग्जाम्पल है ना, कहाँ वो कला हो रहा है, कहाँ क्लेश हो रहा है? तेजस्वी यादव पे सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? और ऊपर से तेजस्वी ने तो अदर कास्ट नहीं, अलग अलग धर्म में शादी किया शांति से, यहाँ तो सेम कास्ट सेम जात, यहाँ बड़ी बात की सत्संगी, दोनों फ्रेंड दोनों दोस्त। भैया ये गरीब है,
गरीब को मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इनके पास उतना पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए। आप लोग आते हैं लाखों रुपए कमा के जाते हैं यहाँ से, एक रुपया दिए इस परिवार को कि लीजिए छोटू के पिताजी, मेरे तरफ से ये डोनेशन है आपको, अपना रखिए, केस मजबूत कीजिए। कभी आप लोगों ने केस में चर्चा किया कि छोटू का केस का क्या हुआ? कभी आपने इस पिता को फोन किया? कभी आपने वीडियो बनाया? कभी आपने थानेदार से पूछा जब केस चल रहा था? नहीं। कौन जा रहा है जेल? किसको होगा बेल? कब होगा खेल? बंद कीजिए अपना ये खेल। इस दुखियारी माँ, इस पिता का दर्द को दिखाइए, इसको न्याय चाहिए। आरती का परिवार कहीं से सही नहीं है। जो आरती के परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, कृपया छोड़ दीजिए। अपराधी कहीं से वो लायक नहीं है। अपराध किए हैं, उनकी सजा है जेल और उम्र कैद। और बस, अगर इस परिवार को सजा, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा ना, तो बहुत अन्याय होगा इन लोग के साथ। न्याय नहीं मिलेगी, हम लोग मर जाएंगे सोच में। हम लोग पहले से पेशेंट है, हम लोग शुगर बढ़ा हुआ है, ये इसको भी प्रेशर है। न्याय मिलेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। हम लोग बस, तस्वीर सामने है, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए, अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद चाची। देखिए, हम लोग को देश नहीं, आपको बुलाना है। ऐसी चीजें है ना, आपके परिवार को गलत दिखाएगी।